जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसी कि हमारी सीरीज है और इस सीरीज का पहला वीडियो थंबनेल के टैगलाइन से मैं स्टार्ट करता हूं, अब महाकुंभ की तैयारी। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि अब तैयारी जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट के आधारित है। अभी तक हमने पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिवीजन वर्क किया था यूनिट वन पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो बिल्कुल विद इन 2 से 3 मिनट में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज किए थे। उसी बेस पे हम लोग यूनिट वन के आज इंपॉर्टेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करते हैं। इन अ इक्विलिब्रियम आपका इफ अ 3 फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, कभी भी 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक रिजिड बॉडी पे, रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल, टेक इन ऑर्डर, देन दे आर इक्विलिब्रियम। इक्विवेलेंट टू अ कपल, कपल तो हो नहीं सकता है, इक्विवेलेंट टू अ फोर्स नहीं हो सकता है, इक्विवेलेंट टू फोर्स एंड कपल। देखिए मैंने ब्लैक कर रखा है तो मतलब ये आंसर है। सो आप लोग को ये नहीं है कि वहीं पे जाना, आपको रीजन समझना है क्यों है कि जब भी 3 फोर्स हैं और 3 फोर्स जब किसी साइड के ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो वो उसका एक ही शर्त है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, सामान्य अवस्था पे हो, तभी वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई आंसर ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्सेस क्या कहता है? ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्सेस कहता है किसी बॉडी पे लगने वाले किसी बॉडी पे लग रहा एक फोर्स, उसके लाइन ऑफ एक्शन। मान लीजिए ये बॉडी है और इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स एफ है और इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे यहां लगने लगेगा ये फोर्स, तो इस फोर्स का वैल्यू, इस फोर्स के पर पड़ने वाला प्रभाव इस बॉडी को कोई चेंजेस नहीं करेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि किसी पिंड पे लगने वाला फोर्स उसकी लाइन पे लगाने वाला उसी इक्वल फोर्स लगा दिया जाए तो उस बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ट्रांसफर हो जाता है फोर्स उस लाइन ऑफ एक्शन पे। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, इट्स इफेक्ट इज सेम, उसका इफेक्ट सेम होगा एट एवरी पॉइंट इन अ लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन शर्त यह है उसके लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, कहीं पर भी ले जाइए लेकिन उसके लाइन ऑफ एक्शन से हट के हो गया तो उस बॉडी पर सेम इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ले 5th question, नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ अ फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट विल बी इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ द फोर्स इज जीरो। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कर रहा है तो उसका सम ऑफ द फोर्सेस जीरो होना चाहिए। देखिए ये भी सही है, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इज जीरो, ये भी बात सही है। सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट इज जीरो, देखिए सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट इन एनी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर जीरो। तो इसका मतलब यह है नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब उसके हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होंगे, उसके वर्टिकल फोर्स जीरो होंगे, जब दोनों रिजॉल्व पार्ट उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई जीरो होंगे। सो दैट इज द नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो आंसर डी इज करेक्ट। आप ये नहीं लगाएंगे, देखिए दोनों सही थे, ए भी लोग टिक लगा देंगे, बी भी लगा देंगे, लेकिन उसको आंसर ये नहीं मालूम है कि एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे तब सामान्य अवस्था में आएगी, और मोमेंट जीरो हो जा रहा है तब तो वो कंडीशन ही हो जाएगी मेरी। फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, द फोर्स मस्ट बी, फोर्स जब बॉडी कभी सामान्य अवस्था में है तो वो कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब इक्वल हो, अपोजिट नेचर के हो एंड कोलिनियर हो, वो को प्लानर हो, एक ही कॉन्करेंट से निकले हो, इस तरह के जो फोर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम फोर्सेस ऑफ टू फोर्सेस सिस्टम की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फ्री बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम इट सराउंडिंग। एक फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, पहले ये समझिए क्वेश्चन से, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम से हम सरफेस को रिमूव करते हैं, उस पे लगने वाले एक्टिव फोर्सेस होते हैं, उससे रिएक्टिव फोर्सेस क्या निकले हैं। सो दो वर्ड आ रहा है, एक्टिव और रिएक्टिव। सो आंसर हमारा एक्टिव और रिएक्टिव कहीं मिल जाएगा, वही चीज हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट्स व्हाई बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस आर इंडिकेटिंग बाय द एरोस, एरोस से इंडिकेट करते हैं। आइस इज स्लिपरी व्हेन मैन वॉक ऑन इट बिकॉज, आइस के ऊपर चलने वाला आदमी स्लिप कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आप आइस जो बर्फ है उसके ऊपर प्रेशर जैसे इंपैक्ट करेंगे वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाती है, प्रेशर के कारण जैसे मेल्ट, तो आदमी जब उसके ऊपर चलेगा तो प्रेशर डालेगा और प्रेशर से वो क्या होगा, मेल्ट होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दी इट मेल्ट अंडर प्रेशर, और कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन हो नहीं सकता है, चिली हो नहीं सकता, चिली कोई एक लॉजिक नहीं है। सरफेस स्मूथ है लेकिन वहां पे लॉजिक ये नहीं है कि स्मूथ होगा तो ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाएगा। तो ये टू नॉन कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में नहीं है, देखो यहीं से क्लियर करो, टू नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है ऐसे फोर्सेस।
इक्वल पैरेलल फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दो पैरेलल फोर्सेस जो एक लाइन से नहीं है कोलिनियर, मतलब एक ही बिन नहीं है, वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जैसे एक फोर्स ऐसे जा रहा है इक्वल और दूसरा ऐसे जा रहा है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे से कपल बना लेंगे, ये क्या करेंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, लाइन याद आ रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मेक अ कपल, सो दैट्स व्हाई दिस इज मेक अ कपल। व्हेन अ ट्राइंग टू टर्न अ की इनटू अ लॉक, चाबी में ताले को घुमाना, देखिए लॉजिक समझिए मेरा और कोई नहीं, आपको बहुत मल्टीपल हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेरा बस इतना है कि हम आपके दिमाग के उस कोने तक जाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल समझ लीजिए क्या आंसर टिक करना है। कह रहा है व्हेन इट ट्राइंग अ टर्न अ की इनटू अ लॉक, जब चाबी को उसमें घोप में घुमाया जाए, तो देखिए चाबी गई आपने घुमाया इधर तो ताले ने उधर दिया, तो क्या करा कपल बनाया ना, ताला उधर जाएगा चाबी इधर खुलेगी, इक्वल एंड अपोजिट, ज्यादा फोर्स लगाया चाबी टूट जाएगी तो कपल नहीं बने, कपल की शर्त है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, सो दैट्स व्हाई मेक एन अ कपल। 11 क्वेश्चन, टू इक्वल एंड अपोजिट को प्लानर कपल्स, टू इक्वल एंड अपोजिट को प्लानर कपल्स हैं तो हमेशा क्या होंगे ये बैलेंस होंगे, इनका नेट जो होगा वो जीरो होगा, तो बैलेंस ईच अदर, हम सीधे सीधे उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं जो आपको सब। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत फोर्सेस एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ईच फोर्स मे बी रिप्लेस बाय इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट टुगेदर विद अ कपल फॉर द रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। सो देखिए एक बॉडी पे बहुत नंबर सारे रिजिड बॉडी है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहा है, इस फोर्सेस को एक फोर्सेस से रिप्लेस कर दिया गया, तो क्या शर्त है उसके लिए उनके, तो सारे फोर्सों का रिजल्टेंट जो होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स और उसका कपल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी क्या होगी सामान्य अवस्था में होगी इक्विलिब्रियम में होगी, सो दैट्स व्हाई बोथ रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मस्ट बी जीरो। इट्स सपोज बॉडी पे 10 फोर्स यूज कर रहा है और उनका रिजल्टेंट आर आ रहा है, तो वो रिजल्टेंट जो आर है वो उस कपल के सारे कपलों से और उस रिजल्टेंट का कपल क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। Consider the following statement. कोई statement को हम लोग पढ़ते हैं। Two couples in the same plane can be added algebraic. क्या दो couple जो हैं, उनको add कर सकते हैं algebraic? बिल्कुल सही है। आप add कर सकते हैं। कोई भी couple है, उनका आप moment लीजिए। Coplanar and concurrent force are the ones which neither lie in the one plane nor meet in. बिल्कुल गलत है। Coplanar forces क्या होते हैं? एक ही plane पे और co-concurrent एक ही बिंदु से। तो ये तो गलत है भैया। ये तो गलत है दूसरा वाला। नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज आर दोस डू नॉट मीट एट अ पॉइंट। बिल्कुल सही है। कॉन्करेंट फोर्सेज वे फोर्स होते हैं जो एक पॉइंट से निकलते हैं और नॉन कॉन्करेंट पॉइंट इसका अपोजिट। तो तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। अ सिंगल फोर्स मे बी रिप्लेस बाय अ फोर्स एंड कपल, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर। हाँ, एक फोर्स को आप उसके कपल और उसके फोर्स से रिप्रेजेंट, मतलब एक सिंगल फोर्स है मे बी रिप्लेस बाय अ फोर्स एंड कपल। मान लीजिए यहाँ पे एक फोर्स है एफ का, उसको कपल के रूप में एक दूरी से आप रिप्रेजेंट कर दे तो कपल के रूप में वो रिप्रेजेंट हो जाता है। तो 1, 3, or 4 इज एन अ करेक्ट आंसर, सो दैट्स आई आंसर डी इज करेक्ट। 14 आंसर, सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। द फोर्सेज विच मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जो फोर्सेज मीट करते हैं वो क्या, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्करेंट फोर्सेज। वो कौन कौन से फोर्सेज कहलाते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेज हमारे कहलाते हैं। So that force is known as concurrent. The force whose line of action is same, जिसका line of action same होता है, that is called collinear forces. वो क्या है? Collinear forces. If a rigid body is in an equilibrium, कोई body equilibrium में है, under the action of three forces, तीन forces के अगर, तो उनके क्या है? वो एक ही बिंदु से निकले और एक ही plane पे रहे। उनका line of action क्या हो? These forces pass through the same point. वही मैंने कहा एक ही बिंदु से। तो answer B is correct. According to Lamy theorem, Lamy क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दो फोर्सेस के बीच बनने वाले साइन एंगल के। तो साइन एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, देखिए ठीक है, आंसर ए इज करेक्ट। हमें सब पूरा पता है इसलिए हम क्यों जाए दूसरे आंसर पे। ज्योमेट्रिकली द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट टेकन द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अबाउट आपने क्या किया, मूवमेंट लिया है वर्टेक्स से, वर्टेक्स इज दिस, इसके मूवमेंट, तो ये क्या होता है टू टाइम्स डबल हो जाता है, इसके क्या होता है इज इक्वल टू द twice the area of the triangle, two time of the area of the triangle के बराबर हो जाता है, that is called the वो the point about which moment are taken, जिस point के about moment लिया जाता है, that is called moment of force, उसको क्या जाता है moment of force कहा जाता है, जिस about हम कहते हैं कि O के about यहाँ moment लिया गया, मान लीजिए ये O है और इसके about moment, तो that point is called moment of force, MF, ठीक है।
सेट वाई दैट इज कॉल्ड डी आंसर. बीस द यूनिट ऑफ फोर्स, सबको मालूम है बच्चों को, दैट इज कॉल्ड न्यूटन. तब भी हमने